हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे बीच में भास्कर जी बैठे हैं जिन्होंने अपने सीएमए फाइनल एग्जाम में इतिहास रच दिया। ऑल इंडिया रैंक 23rd इन्होंने सिक्योर किया और इन्होंने बता दिया कि अगर मेहनत की जाए और अगर कोई चीज कमिटमेंट अपने आप से कोई कर ले तो कमिटमेंट पूरे भी होते हैं, सफलता भी मिलती है और सारे अब जो दिक्कतें आई थी वो सब दिक्कतें ऐसा लगता है कि खत्म हो गई हैं और आगे अब जो रास्ता है आगे और मंजिल को तय करना है। भास्कर जी ने पहले डिसाइड कर लिया था कि इनको रैंक लेकर आना है। इन्होंने अपना इंटर में भी इन्होंने रैंक सिक्योर किया था, फाइनल में भी इन्होंने रैंक सिक्योर किया है। इनकी बहुत अच्छी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग रही, अलग अलग कंपनी में इन्होंने अच्छी ट्रेनिंग ली, इंडियन ऑयल और एक कौन सी कंपनी थी भास्कर? बंगाल केमिकल। कलकत्ता से हैं ये, डेफिनेटली कलकत्ता जब जाएंगे तो इनसे जरूर मिलेंगे। तो भास्कर जी आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, आपने पढ़ाई के साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी रखा। SFM क्लास खास तौर पर आपको बहुत अच्छा लगा, SFM क्लास में आपको क्या अच्छा लगा, क्या आपको लग रहा है कि उससे मेरा काफी अच्छा प्रैक्टिकल नॉलेज मेरे को मिला और स्टॉक मार्केट और डीमैट अकाउंट भी आपने ओपन करवाया और अपनी लर्निंग को आपने आगे लेकर गए, प्रैक्टिकल नॉलेज की ओर लेकर गए, क्योंकि आगे चलकर ऑब्जेक्टिव अर्निंग की है, लेकिन लर्निंग अच्छी होगी तो अर्निंग अपने आप अच्छी होगी। भास्कर जी प्लीज गो अहेड। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज भास्कर शादुगन एंड इन दिस टर्म आई अपीयर फॉर द सीएमए फाइनल एग्जामिनेशन फॉर द फर्स्ट टाइम एंड सिक्योर ऑल इंडिया रैंक 2023। In June 2019, I had secure, I had appeared for the CMA intermediate examination and secure all India rank 13. और मेरा जो exam inter और final के बीच में gap तो almost 3 साल का हो गया था, इसलिए बीच में मेरा जो problem हुआ था वो सर के साथ अभी शेयर कर रहा था। बीच में जो problem हुआ था कि मेरा बहुत ज्यादा timing distance, मतलब timing gap बहुत ज्यादा हो गया था, इसलिए थोड़ा बीच में पढ़ाई से थोड़ा कट हो गया था, इसलिए बीच में लग रहा था कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने डिटरमाइन किया कि रैंक तो लाना है, मतलब इंटरमीडिएट में रैंक था, फाइनल में अगर नहीं आएगा तो वो भी अपने आप से भी थोड़ा डिससेटिस्फेक्शन हो जाएगा। इसलिए मैंने बस इसलिए रैंक नहीं लाया कि दूसरों को दिखाना है, क्योंकि मेरा खुद का जो एक्सपेक्टेशन था उस पर खड़े होने के लिए मैंने एकदम डिटरमाइन किया कि मुझे रैंक लाना है। उसके बाद ऐसी तरीके से पढ़ाई किया, बाद में जो क्लासेस था वो खत्म किया, उसके बाद सेल्फ स्टडी के लिए ऑलमोस्ट फोर मंथ रखे और 4 मंथ में पूरा एकदम अच्छे से सेल्फ स्टडी किया, अच्छे से 3-4 बार पूरा रिविजन किया करके मैंने जो रिजल्ट आया है उससे मैं बहुत तो खुश हूँ। और स्पेशली सर से जो लिया था SFM क्लासेस, उस क्लासेस का मुझे जो चीज बहुत अच्छा लगा कि सर एकदम प्रैक्टिकल ओरिएंटेड पढ़ाते। प्रैक्टिकल ओरिएंटेड मतलब एकदम क्लास में भी सर एग्जाम्पल देते थे, प्रैक्टिकली करके दिखाते थे, एकदम इन्वेस्टमेंट करके या ट्रेडिंग करके सर एकदम दिखाते थे, दिखा के जो वो चीज मुझे बहुत अच्छा लगा। और सर से क्लास करने के बाद ही मैंने अपना डीमैट अकाउंट भी खोला। जब ट्रेनिंग कर रहा था थोड़ा बहुत हर महीना इन्वेस्टमेंट भी करता था, अभी मेरा एक थोड़ा ज्यादा तो बड़ा नहीं किन्तु थोड़ा बहुत एक छोटा सा पोर्टफोलियो भी बनाया है अच्छे से रिसर्च करके। और मैंने बहुत सारा IPO में भी अप्लाई किया था, वो जो मैंने स्टॉक मार्केट भी अभी तक जो IPO में बहुत सारा अप्लाई किया था, बहुत सारा अलॉटमेंट भी हुआ, अर्निंग भी जो हुई है वो पूरा एकदम सर के मतलब सर जो थ्योरी पढ़ाए थे प्रैक्टिकल पढ़ाए थे उसके ऊपर बेस्ड करके ही हुआ है। इसलिए थैंक यू सर फॉर ऑल ऑफ दिस एंड थैंक यू अगेन स्टीव, क्योंकि सर मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है कि आप जो क्लास जब क्लास में पढ़ाते थे वो जो पॉजिटिविटी आप हर तरीके का कोर्स से लेके आए और आपके बात में भी जो पॉजिटिविटी है उससे बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी मिलता था और मतलब लाइफ में बहुत काम आता है वो पॉजिटिविटी, इसलिए बहुत मतलब वेरी वेरी थैंक यू वेरी मच सर। तो मैं बस आपकी बहुत सारी बातें आपने अच्छी अच्छी कही, एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि आप डिमोटिवेटेड भी हुए, आपको एक पढ़ाई से पूरा टच खत्म हो गया था और आपको समझ नहीं आ रहा था कैसे रिस्टार्ट करें, तो आप भी अपने वक्त में डिमोटिवेशन को फेस कर चुके हैं। मेरे पास बहुत सारा फोन आ रहा है कि सर हमारा क्लियर नहीं हुआ, अब हम क्या करें, हम छोड़ दें क्या एग्जाम, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। मैंने बताया लास्ट एग्जाम में हमारी एक स्टूडेंट एज अ फ्रेशर CMA क्वालिफाइड करके 30 लाख के अप्रोक्सीमेटली पैकेज उनको मिला,
मेरे ऑल इंडिया रैंक वन लेकर आए, बच्चों का 90, 95, 98 मार्क्स, 99 मार्क्स मिल रहे हैं, तो प्लीज ऐसा मत कीजिए। हो सकता है कि तैयारी थोड़ी अधूरी रह गई हो, और अच्छे से तैयार करिए। अगर आप 50% भी तैयार हैं तो आप एग्जाम में बैठिए, क्योंकि आप देखिए कि 50, 55, 52% में रैंक आ रहा है सीएमए में, तो पेपर जितना भी टफ क्यों ना हो आपको 50% सिक्योर करना है, 50% भी आपका रैंक है। तो ये सारे सीएमए स्टूडेंट्स के लिए है इंडिया में, कि आपको बिल्कुल निराश और हताश नहीं होना है। आप मुझे ज्वाइन करें मेरे ग्रुप को, मेरे जो पॉजिटिविटी मैं दे सकता हूं मैं आपको दूंगा। कहीं कोई दिक्कत है तो बताइएगा, और कलकत्ता भी मैं आ रहा हूं। आपको अगर मुझसे कलकत्ता में मिलना है, फेस टू फेस अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को बताना है, या मुझसे कोई गाइडेंस लेना, तो जरूर आप गाइडेंस ले सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा। और भास्कर जी भी आ रहे हैं हमारे साथ, तो भास्कर जी भी अपना कुछ वैल्यूबल फीडबैक हमें फेस टू फेस देने वाले हैं, तो भास्कर जी को हम प्राइज से सम्मानित भी करेंगे। उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। थैंक यू भास्कर, थैंक यू वेरी वेरी मच। थैंक यू। आई थिंक आपने अपने पूरे परिवार, अपने पूरे टीचर्स का नाम रोशन किया है। आगे भी आपको और सफलता मिलती रहे, टच में रहिएगा, आगे जो भी सफलता मिले हमें जरूर बताइएगा। थैंक यू भास्कर, जरूर।